वेलकम डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स इन इम्तियाज एकेडमी। वी ऑल नो दैट वी आर सॉल्विंग मैथ्स ऑफ क्लास नाइन्थ एंड वी आर टुडे आई विल डू सॉल्व सेक्शन ए रियल नंबर 1D ऑफ वन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 1D। बच्चों हम लोग को पता है कि हम लोग क्लास नाइन्थ का मैथ सॉल्व करते हैं और आज हम लोग रियल नंबर का 1D करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय, क्या है ये संख्या दिया हुआ है। इसमें हमको ये लिखना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, कौन रेशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है। तो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन। पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए 7√5 दिया हुआ, 7√5 ये क्या है, अपरिमेय है या परिमेय है? तो आप लोग ने पढ़ा है, आप लोग जानते हैं कि दो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों का गुणनफल अपरिमेय होता है। तो यहां देखिए 7 क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोनों को जब हम मल्टीपल करेंगे, जब दोनों को गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, इस तरह का नंबर जो होता है वो अपरिमेय होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय। उसके बाद ये देखिए 2 में 2+√3, 2+√3 ये भी सेम ये है नियम है कि दो संख्या जिसमें एक अपरिमेय हो और एक परिमेय हो, दोनों का एडिशन जो होता है, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो वो अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या, दोनों का योग, दोनों का जोड़, दोनों का एडिशन क्या होता है, अपरिमेय होता है, इरेशनल नंबर होता है। टू नंबर वेयर टू इज वन नंबर इज रेशनल एंड सेकेंड नंबर इज इरेशनल, देन दैट नंबर विल बी इरेशनल नंबर, सो दिस इज इरेशनल नंबर। तो हम इसे लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। उसके बाद ये यहां देखिए सेम है, पहले इरेशनल नंबर दिया हुआ है, उसके बाद रेशनल नंबर दिया हुआ है, मतलब पहले अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, उसके बाद परिमेय संख्या दिया हुआ है, दोनों का जोड़, ये जोड़ है, दोनों का जोड़ क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय। अब ये देखिए ये क्या है, पाई है, पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये एक अपरिमेय संख्या और उसमें परिमेय संख्या घटाना है, तो क्या हो, गेट जो हमें होगा वो भी अपरिमेय संख्या ही होगा। उसके बाद ये देखिए 7/√5 ये भी क्या है, ये भी इस तरह का जो होता है, मतलब इसमें क्या है, एक परिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या से भाग करने पर वो संख्या अपरिमेय होगा। When I divide to a rational number from an irrational number, that is also irrational number. तो ये भी क्या है, irrational number होगा, अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद ये क्या है, 2 क्या है, रेशनल है, और पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। तो दोनों का अभी हम लोगों ने यहां देखा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय ही होगा, तो ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। उसके बाद 8th क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 8th में क्या है, सॉरी 7th है, 7th देखिए
रूट ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। हम ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो रूट 23 में रूट 23, रूट 23 में तो रूट 23 घट जाएगा, बच जाएगा आपको क्या 3। तो 3 क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए ये है, ये है क्या 3√8/2। हम इसे डिवाइड कर देते हैं, 3 ऐसी ही है, रूट को 2 × 4 कर देते हैं, ठीक है, 2 × 4 कर देते हैं, तो √2 से √2 कट जाएगा, 4 बच जाएगा। 4 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इस तरह से ये जो हम इसको मल्टीपल करेंगे तो इसका वैल्यू आपको 6 आएगा। तो ये 6 क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा, आपका परिमेय संख्या होगा, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद ये देखिए 9th है, √2 − √2, इन दोनों को अगर हम घटाते हैं तो क्या गेट होगा, हमें 0 गेट होगा, और 0 क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, इसलिए ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, देख लीजिए। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें कोई अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। ये कथन है, ये स्टेटमेंट है, आपको क्या करना है, इसमें ट्रू और फॉल्स जो होता है, सत्य और असत्य जो होता है, वो आपको फाइंड आउट करना है। इसमें क्या कह रहा है, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगा। क्या कह रहा है, 2 इरेशनल नंबर्स एडिशन विल आल्सो बी इरेशनल नंबर। ये कोई जरूरी नहीं, यहां कह रहा है अवश्य, मस्ट बी, 2 इरेशनल एडिशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर मस्ट बी इरेशनल नंबर, मतलब 2 अपरिमेय संख्याओं का योग भी जरूर अवश्य अपरिमेय संख्या होगा। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है, अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, इसलिए ये क्या है, असत्य है। क्या है ये, असत्य है, कोई जानने वाला ना हो। उसके बाद दूसरा है, बी है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल और अपरिमेय अवश्य होगा। क्या कह रहा है, ए इरेशनल नंबर एंड ए इरेशनल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑल्सो विल बी इरेशनल नंबर, मतलब एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्याओं का गुणनफल अवश्य ही अपरिमेय होगा। तो ये क्या है, सही है, मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा, ये क्या है, सही है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, सत्य। उसके बाद सी को देखिए, सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती है, सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होती है, ये असत है, क्योंकि मान लीजिए कि 0 है, 0 का व्युत्क्रम आप क्या लिखिएगा, कुछ भी नहीं लिख सकते ना, इसलिए ये क्या है, ये असत है। अब डी को देखिए, डी क्या है, 9√9/√144, एक परिमेय संख्या है, √9/144 एक परिमेय संख्या है। हम देखते हैं 3 × 3 = 9 और 12 = 12 बार 144,
तो रूट हमारा हट जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है ये, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ये क्या है, सत्य है। उसके बाद ये देखिए आपका है वितरण नियम, x ब्रैकेट y जोड़ z, इसको हम जब गुना करते हैं तो एक्स वाई हुआ, एक्स जेड हुआ, और परिमेय संख्याओं के समुच्चय में भी लागू है, ये चाहे वो परिमेय हो या अपरिमेय हो दोनों में लागू होगा, इसलिए ये क्या है, ये भी सत्य है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, देख लीजिए इसे। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्या है, 3 में ए है, रूट 3 की व्युत्क्रम संख्या कौन सी है। तो ये जो है आपका क्या है, रूट 3 है ना, व्युत्क्रम संख्या कह रहा है। तो व्युत्क्रम में हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, व्युत्क्रम मींस होता है उल्टा, ठीक है। तो हम इसको पलट देंगे तो क्या होगा, रूट 1 बाई रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये है आपका 3 बाई 2 रूट 2 का योज विलोम लिखें, योज विलोम क्या करेंगे, ये प्लस है इसमें हम माइनस लगा देंगे, 3 बाई 2 रूट 2, बस हो गया ये आपका। तो ये आपका कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे जिसे हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आप लोगों का कोई कमेंट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है सही बता रहा हूं या नहीं, या कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएं, ताकि इससे हमारी भी हौसला अफजाई होगी, ठीक है, और मुझे सही मशवरा भी मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू।